हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर हमें अपने कंपटीटर्स के स्ट्रेटजी पता है, हमें ये पता है कि वो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में क्या कर रहे हैं, उन्हें बैकलिंक्स कहां कहां से मिल रही है, उनका मोबाइल पे लोडिंग स्पीड कितना है, उनका डेस्कटॉप पे लोडिंग स्पीड कितना है, किस वजह से वो रैंक कर रहे हैं गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे, तो उन कारणों पे हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करके हम अपनी भी रैंकिंग और ट्रैफिक को सुधार सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए सबसे हैंडी आता है एसईओ टूल्स। मोस्ट ऑफ द एसईओ टूल्स पेड हैं और एक्सपेंसिव हैं, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम आज अपने वीडियो में कुछ फ्री टूल्स लेके आए हैं जिसको यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आपके कंपटीटर्स ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की हुई है और उनको कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं। आप भी वहीं से बैकलिंक्स लें और उससे भी बेटर एसईओ करके अपने वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग पे ला सकते हैं। तो इसका नाम है सेमरस, बहुत ही बेहतरीन टूल है और इसका फ्री और पेड वर्जन दोनों ही अवेलेबल है। पेड वर्जन काफ़ी महंगा है, फ्री वर्जन से ही हम जो है इतना सारा इसका डेटा निकल के आ जाता है कि पेड की हमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेमरस का जो आप डोमेन डालते हैं semrush.com, तो आप डोमेन जैसे ही एंटर करेंगे आपको सर्च बार में उस वेबसाइट का डोमेन डालना है जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। या तो वो आपकी अपनी वेबसाइट हो सकती है या फिर वो आपके कंपटीटर्स की वेबसाइट हो सकती है। जैसे ही आप URL डाल के सर्च करेंगे, आप इस तरीके से इस वेबसाइट इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। ये पेज जो है कंपटीटिव रिसर्च का है, SEO डैशबोर्ड ये खुल के आ जाता है और यहाँ पे भी आप ये जो एड्रेस बार है यहाँ पे भी आप डोमेन नेम डाल के यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं डोमेन नेम डाल के सर्च कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे SEO डैशबोर्ड पे हूँ। इसमें डोमेन ओवरव्यू के अंदर हम उस वेबसाइट का डोमेन ओवरव्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अथॉरिटी स्कोर देखने को मिलता है जो कि 71 है। ये 0 to 100 तक वेरी करता है, 100 मतलब बेस्ट सबसे अच्छा और 0 मतलब कि अभी उसको जो है काफ़ी डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अथॉरिटी स्कोर का मतलब होता है कि कितना अथॉरिटेटिव आपका पेज है या डोमेन है। तो ये डोमेन की अथॉरिटी बता रहा है 71 है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 714.8K है, मतलब इतना सर्च ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आ रहा है। पेड सर्च ट्रैफिक भी का ये डाटा ये नहीं दे पाएगा। बैकलिंक्स 5 मिलियन बैकलिंक्स हैं, रिफरिंग डोमेन 60.5K रिफरिंग डोमेन से इनको बैकलिंक मिल गए 5 मिलियन। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग 1K पब्लिशर्स हैं। और नीचे आते हैं कीवर्ड बाय कंट्री, तो डिफरेंट कंट्री US से लेके UK इंडिया ऑस्ट्रेलिया यहाँ से ट्रैफिक मिल रहा है। ट्रैफिक का ट्रेंड आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रैफिक का ट्रेंड हो रहा है। 1 मंथ का अगर देखना है तो यहाँ क्लिक करके 1 मंथ का देख सकते हैं। 6 मंथ का ट्रैफिक का ट्रेंड देखना है तो प्रोग्रेसिव है 6 मंथ में। 1 ईयर का देखा जाए तो 1 ईयर में भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। 2 ईयर्स में भी काफ़ी अप ट्रेंड जा रहा है। ऑल टाइम में अगर आप करेंगे तो इस तरीके से ये ट्रेंड दिखेगा। कीवर्ड ट्रेंड्स, ट्रैफिक ट्रेंड्स, SERP फीचर, हर चीज़ आपको ये सेमरस दे देता है। ऑर्गेनिक रिसर्च में अगर देखा जाए तो कौन कौन से कीवर्ड्स पे कितने कितने वॉल्यूम पे क्या क्या सर्चेस हुए हैं, ये सारे चीज़ें ये जो है पता करके ये आपको देता है। ऑर्गेनिक पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन ऑन गूगल SERP दिखा रहा है 1 to 3, 4 to 10, 11 to 20, 21 to 50 एंड 51 to 100 है पोजीशन इन गूगल SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज।
अब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी देख रहे हैं कि इनके क्या क्या कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं और क्या क्या सर्च वॉल्यूम है कंपटीशन की, कंपटीशन कीवर्ड्स पे क्या क्या वॉल्यूम है और कितने कितने ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक हैं कंपटीटर्स के। अगर हम देखें तो कीवर्ड यहाँ देखें तो वर्ड स्ट्रीम के कीवर्ड्स हैं 341K, ट्रैफिक 1 मिलियन एंड कॉमन कीवर्ड्स हैं 28K। तो कॉमन कीवर्ड्स 28K हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इधर से दिखाए जा गए हैं और ऑर्गेनिक सर्चेस उस पर यहाँ से देखने को मिल जाएगा जिस किसी पे भी। तो हमारे जितने भी कंपटीटर्स हैं उनके कीवर्ड्स कितने कॉमन कीवर्ड्स हैं, कितना ट्रैफिक है, ये सारा चीज़ें यहाँ से हमको देखने को मिल जाती हैं। ब्रांडेड ट्रैफिक ट्रेंड क्या है, ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड का भी ये दिखा रहे हैं। फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स, दो तरह के बैकलिंक्स होते हैं, फॉलो एंड नो फॉलो। तो फॉलो कितना मिल रहा है एंड नो फॉलो कितना मिल रहा है। फॉलो 1.7 मिलियन है एंड नो फॉलो 3.3 मिलियन है। वैसे हमको फॉलो लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। ये बैकलिंक का दिखा रहा है कहाँ कहाँ से हमको, मतलब इस वेबसाइट को बैकलिंक मिल रही है। बैकलिंक टाइप क्या है, टेक्स्ट लिंक, फ्रेम लिंक, फॉर्म लिंक, इमेज लिंक, ये सब लिंक टाइप भी बता रहा है कि कितने कितने हमें टेक्स्ट लिंक मिल रहे हैं 4.8 मिलियन, फ्रेम लिंक कितने मिल रहे हैं, फॉर्म लिंक्स कितने मिल रहे हैं और इमेज लिंक्स कितने मिल रहे हैं। इमेज से हम अगर लिंक दे रहे हैं तो टॉप एंकर किन किन एंकर्स पे लिंक मिल रहे हैं, ये टॉप एंकर्स हैं, रेफरिंग डोमेन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से, उनका क्या आईपी है, क्या कंट्री है, कहाँ से बैकलिंक, कितने बैकलिंक्स मिल रहे हैं, वो सारा यहाँ पे डाटा दिख रहा है। इंडेक्स पेजेस कौन कौन से हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। व्यू डिटेल्स करेंगे तो और ज़्यादा पेजेस दिखेंगे। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग यहाँ पे दिखा रहा है। लैंडिंग पेजेस जो हैं ये यहाँ पे दिख रहे हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट आपको एक तरीके से एक्सरे मशीन है जो आपको कंप्लीट लिंक का, बैकलिंक का कि ग्राफ के जरिए सारा डाटा ये देते हैं। ओवर डोमेन ओवरव्यू के बाद अगर आप नीचे देखें ट्रैफिक एनालिटिक्स, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं ट्रैफिक एनालिटिक्स पे तो कुछ आपको ट्रैफिक के एनालिटिक्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे जुलाई में कितने विजिट्स हुए हैं तो 8.9 मिलियन, यूनिक विजिटर्स कितने आए हैं तो 4.9 मिलियन, पेज पर विजिट कितना है, पर विजिट कितना पेजेस 2.34, एवरेज विजिट ड्यूरेशन कितना है 8 मिनट्स 31 सेकेंड्स एंड बाउंस रेट कितना है। ये एक बहुत अच्छा डाटा देखने को मिल जाता है कि अगर आपका कोई कंपटीटर है उस पर कितना यूज़र रिटेंशन है, 8.31 इज गुड रिटेंशन। इसके बाद आप अगर ऑर्गेनिक रिसर्च पे क्लिक करते हैं ऑर्गेनिक रिसर्च में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा देखने को मिल जाता है। जैसे कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली कौन कौन कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं 499.8K, ट्रैफिक 7714, ट्रैफिक कॉस्ट $2.1 मिलियन, ब्रांडेड ट्रैफिक एंड नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक, और यहाँ पे ग्राफ के जरिए भी ऑर्गेनिक कीवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। फिर उसके बाद टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, टॉप पोजीशन चेंजेस, एसईआरपी फीचर, नॉट लिंकिंग टू डोमेन, टॉप पेजेस, टॉप सब डोमेन्स, कॉम्पिटिटिव, मेन ऑर्गेनिक कंपटीशंस, कंपटीटर्स, ये सारा डेटा जो है दे देता है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, फ्री में आपको मिल रहा है।
इतना सारा डेटा एनालिसिस करने के लिए। ये डेस्कटॉप का डाटा है, अगर हम इसको मोबाइल में चेंज कर देंगे तो मोबाइल में चेंज करके आपको मोबाइल का डेटा देखने को मिल जाएगा कि कितना कीवर्ड है, कीवर्ड क्या ट्रैफिक दे रहे हैं और ट्रैफिक कॉस्ट क्या है। तो अब आपने जान लिया है कैसे अपने कंपटीटर्स के वेबसाइट का एनालिसिस करना है, कौन से टूल्स को यूज़ करना है और कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स लेनी है और क्या आपको अपने वेबसाइट पे ऐसा करना है जिससे वो आपके कंपटीटर्स से भी अच्छी रैंकिंग में और अच्छी ट्रैफिक ला सके। हम एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आप कमेंट कीजिए अपना ईमेल आईडी, हम उस ईमेल आईडी पे आपको सारा डिटेल्स भेज देंगे और आप इजीली वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।